आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के 36 वीक्स में बेबी के बारे में। तो 36 वीक्स तक आपके ट्विन्स बेबी के अंग पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उनके जो फेफड़े होते हैं वो अभी भी मैच्योर हो रहे हैं। 36 वीक्स तक जो ट्विन्स बेबी का वेट होता है वो लगभग 2.3 केजी के आसपास हो जाता है, और बेबी की जो लंबाई होती है वो लगभग 18 इंच यानी कि 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आपके बेबी का हेड सरकमफेरेंस 13 इंच यानी कि 327 mm तक हो जाता है, और एब्डोमिनल सरकमफेरेंस 12.75 इंच यानी कि 322 mm हो जाती है, और फीमर बोन लेंथ 2.7 इंच यानी कि 69 mm तक हो जाती है। आपके बच्चों ने पूरी तरह से चूसना सीख लिया है और उनके मसूड़े सख्त और कड़े हो चुके हैं, जो कि छोटे बच्चों को ठीक से ब्रेस्ट को पकड़ने और सही तरीके से दूध पीने में मदद करते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो भी मसूड़ों के नीचे ठीक से डेवलप हो गए हैं, जो कि जन्म के कुछ महीने बाद ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब आपके ट्विन्स बच्चों में से एक बेबी जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर पेल्विस में आ जाएगा, और अब वो पूरी तरह से जन्म लेने के लिए तैयार है। अब वे एमनियोटिक द्रव में सांस लेकर अपनी श्वसन प्रणाली को यूज करने का अभ्यास कर रहे हैं, और अब आपके ट्विन्स बेबी न्यू बॉर्न बेबी की तरह दिखना शुरू कर देते हैं। लैनिगो यानी कि वे महीन बाल जो आपके बेबी के शरीर को गर्म करने के लिए रहते हैं, अब वो भी धीरे धीरे झड़ना शुरू कर देते हैं, और उन्होंने अधिकांश बर्निक्स कैसोसा को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि एक सफेद मोमी पदार्थ होता है, और वो प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे की त्वचा की रक्षा करने का काम करता है, और ये जो सभी पदार्थ होते हैं वो एमनियोटिक द्रव में तैरना शुरू कर देते हैं, और एमनियोटिक द्रव पहले साफ रहता था बट इस समय जो उसका कलर होता है वो हल्का भूरा हो जाता है, और आपके ट्वीन्स में भी इस समय कुछ एमनियोटिक द्रव निगलते भी रहते हैं, जो कि उनके पेट में तब तक रहता है जब तक कि उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, और यह आपके बच्चे के जन्म के बाद पहले मल के रूप में बाहर आता है, और यह मैकोनियम नामक एक चिपचिपे गहरे रंग के पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, और दोनों बेबी का जो वजन है वो अभी भी बढ़ना जारी रहेगा। और अब आप अल्ट्रासाउंड में ये भी देख सकती हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके बेबी के अंग थोड़े से मोटे दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे उनमें चर्बी जमा होती जाएगी, और अब उनकी जो त्वचा है वो धीरे धीरे चिकनी होती जाएगी, और उनमें जो झुर्रियां होती हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और इस समय कुछ बेबी डिलीवरी के लिए सही पोजीशन ले लेते हैं बट कुछ बेबी नहीं भी लेते हैं, और इस समय आपके बेबी की जो भी पोजीशन होगी उसी से ये डिसाइड होगा कि आपकी अब नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सी सेक्शन होगी, क्योंकि 36 वीक्स के बाद बहुत ही कम चांस होते हैं कि अब आपके बेबी दोबारा से पोजीशन चेंज करेंगे, और इसका रीजन है आपके यूट्रस में जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है, और आपके बच्चों की जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह से सख्त हो चुकी हैं, बट उनके जो सर की हड्डियां होती हैं वो अभी भी नरम और लचीली रहती हैं, और ये जो है वो बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर आने में मदद करती हैं, और यह ट्विन्स बेबी के जीवन के पहले वर्ष में उनके सर को बहुत ही तेजी से बढ़ने देंगी, और उनकी मांसपेशियां भी डेवलप होती हैं, और अब आपके बेबी का पाचन तंत्र भी काम कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।